हेलो एवरीवन, चलो मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं। मार्केट कहाँ मोमेंटम हो सकता है, हम कौन से डायरेक्शन में, क्या क्या चीज़ें हो सकती है। आज का मार्केट बहुत ज़्यादा एक मतलब साइडवेज मार्केट रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं मिला मार्केट में। अगर आप थोड़ा सा कैंडल को ऑब्जर्व करके देखते हो तो यहाँ से देखो ये कैंडल किस तरीके से बनी थी, मैंने कल भी आपको बताया था। आज भी उसी तरीके से कैंडल बिहेवियर हो रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंटम में मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर कवर करने का कोशिश कर चुका है। मतलब मार्केट कहीं ना कहीं आज के दिन में बहुत ही ज़्यादा साइडवेज रहा है, कुछ भी मोमेंटम नहीं मार्केट में। अगर आप यहाँ पर देखते हो, मार्केट ने बस यहाँ पर अंदर वोलेटिलिटी क्रिएट कर दी और कुछ भी मोमेंटम नहीं किया मार्केट ने किसी भी हालत पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बार साइडवेज मार्केट आज देखने के लिए मिला। हमें थोड़ा सा ट्रेड करने में डिफिकल्टीज हो गई थी बहुत सारी। आज मैंने भी आज लास्ट में लॉस ही बुक किया है, क्योंकि मार्केट ही कुछ मोमेंटम नहीं कर पा रहा था, हम कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो लॉस बुक करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बस आपका लॉस अगर लिमिट में होगा तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। बहुत से लोगों ने आज लॉसेस को बुक किया होगा, लेकिन उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया होगा, तो उनका कैपिटल आज बहुत तरीके से उड़ गया होगा। गाइज, अप्रैल बैचेस का एडमिशन आपके लिए ऑलरेडी ऑन हो चुके हैं, तो अगर आपने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिया जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बता रहा हूँ, 7020823776 ये नंबर है। आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी पहली बार में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आप वहाँ से भी नंबर को पिक कर सकते हो। एंड अगर आपने एप्लीकेशन को अभी तक हमारे डाउनलोड नहीं किया तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना, क्योंकि वहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हो, तो उसके बारे में आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब अभी अगर आप बैंक निफ्टी को देखते हैं, बहुत ज़्यादा साइडवेज रहने की वजह से हमें थोड़ी सी डिफिकल्टीज आने वाले हैं ट्रेड करने में। मार्केट में कन्फ्यूजन सा क्रिएट बन रहा है कि हम कहाँ पर ट्रेड करेंगे और क्या चीज़ें करेंगे। मुझे जिस तरीके से मार्केट का बिहेवियर दिख रहा है, जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, मुझे इस मोमेंटम में ना अपसाइड में ना मैं जितना ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले पा रहा हूँ कि इस तरीके से कुछ बनेगा। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि मार्केट में एक डायरेक्शन मोमेंटम बने। तो आप कुछ लोग बोलेंगे ये तो डायरेक्शन ही तो मोमेंटम गया है, लेकिन ये मोमेंटम आपको पैसे बनाओगे और कैसे पैसे बनाओगे। यहाँ से अगर आप कैंडल को ऑब्जर्व करते हो, अगर आप पिछले काफ़ी लॉन्ग टर्म से अगर मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, अगर आपको थोड़ा बहुत भी मार्केट का अंडरस्टैंडिंग पता है तो आपको पता चल जाएगा। अगर आप देखो, यहाँ पर एक कैंडल बनी डोजी कैंडल, यहाँ पर भी 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 डोजी कैंडल, यहाँ पर भी डोजी कैंडल, यहाँ पर भी डोजी कैंडल, यहाँ पर एक हैंगिंग मैन कैंडल, फिर से यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल, फिर से यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल, फिर से यहाँ पर डोजी टाइप की कैंडल। अगर आप कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो मार्केट में, तो मार्केट कहीं ना कहीं कुछ अच्छी रैली नहीं कर रहा है। मार्च मंथ मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट मुझे नहीं मिला। एज अ ऑप्शन बायर मुझे चाहिए ट्रेंडिंग मार्केट, अगर अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है तो मैं पैसे बना सकता हूँ। अदरवाइज मैं कहाँ से पैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो भी बहुत छोटे छोटे पैसे बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। अगर आप देखते हो तो दिस इज, देखो दिस इज कम्प्लीटली साइडवेज, यहाँ पर देखो दिस इज कम्प्लीटली साइडवेज, दिस इज कम्प्लीटली साइडवेज। एक मोमेंटम यहाँ पर किया, लेकिन इसमें भी यहाँ पर एक वोलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर मार्केट साइडवेज। मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मोमेंटम ही नहीं है। अगर आप काफी लॉन्ग टर्म से मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हो, बिल्कुल भी मार्केट में मोमेंटम नहीं है। किसी भी हालत में मार्केट में मोमेंटम नहीं आ रहा है, मार्केट में कुछ भी चीजें नहीं चल रही। मुझे एक ट्रेंडिंग मार्केट चाहिए, जो जिस तरीके से यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट आया था, यहाँ पर एक ट्रेंडिंग मार्केट आया था, इस टाइप का एक मुझे ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता। अगर इस टाइप का ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता है, वी गोना मेक ह्यूज मनी, और इस फेज में हम ह्यूज मनी बनाएंगे, और इसी फेज में हम मार्केट में आराम आराम से बैठे जाएंगे। क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही नहीं हो पा रहा है, तो हम कहाँ से ट्रेड कर पाएंगे। कुछ भी मोमेंटम नहीं है, ये बस साइडवेज 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 चल रहा है। क्योंकि आने वाले टाइम में आप सबको पता है कि बजट डे वापस एक बार आएगा, बजट डे वापस हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन के बाद बजट डे होगा। इलेक्शन अभी चलने वाले हैं, तो काफी सारे न्यूज ही मार्केट में चल रहे हैं। पिछले महीने में मतलब मार्च के मंथ में अगर देखा होगा, अपने बहुत सारे हॉलीडेज भी हो चुके हैं। मतलब लगभग सारी जगह पर सारे ऑन एन एवरेज कुछ भी कर लो, मार्केट में वही का वही रिपीट रिपीट होता जा रहा है, कोई नई चीजें नहीं चल रही है। अगर मैं आपको निफ्टी का ट्रेंड, अगर निफ्टी का मार्केट ओपन करके दिखाओ, निफ्टी का चार्ट आपको ओपन करके, तो निफ्टी ने भी कुछ अच्छा मोमेंटम नहीं किया है। अगर निफ्टी की चीजें देखते हो, ये देखो ये कोई मोमेंटम थोड़ी बोला जाता है मार्केट में, ये कोई मोमेंटम थोड़ी है। दिस इज नॉट अ ट्रेंडिंग मार्केट, दिस इज जस्ट अ करेक्शन अबाउट द मार्केट। ये करेक्शन चल रहा है मार्केट में, टाइम करेक्शन कहीं ना कहीं होने की कोशिश हो रहा है। ट्रेंडिंग मार्केट इसको बोला जाता है कि यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम कर जाता है और हम पैसे बना लेंगे। यहाँ पर इस तरीके का एक ये ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाता, हम पैसे बना सकते, इस टाइप का एक ट्रेंडिंग मार्केट हम पैसे बना सकते। हमें कहीं ना कहीं एक मोमेंटम चाहिए मार्केट में, भले वो अपसाइड में बने या डाउनसाइड में बने। अगर कुछ लोग बोलेंगे ये देखो सर ये तो मोमेंटम हुआ है, लेकिन इसमें कितने लोग पकड़ पाए होंगे देख लेना, क्योंकि गैप अप ओपन हो रहा है फिर ऊपर जा रहा है। हमने एनालिसिस तो किया था, डिटेल्स में चीजें करके देखे, लेकिन ऐसे लॉन्ग टर्म में कोई ट्रेंडिंग मार्केट हमें देख नहीं पा रहे। अगर आप अभी की कैंडल ओपन करके देखते हो निफ्टी की, कितनी निगेटिव कैंडल बनती हुई आपको दिख रही है। मतलब क्या ही डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पाओगे, क्या ही चीजें कर पाओगे। ये 15 मिनट के चार्ट पे चलकर देखोगे तो आपको क्या मोमेंटम आपको निफ्टी में दिख रहा है, कुछ भी मोमेंटम आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिस इज ओनली साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिला है। मार्केट बहुत ही नीचे आ रहा होगा, लेकिन पुट साइड में देख लेना ओपन करके, कोई भी मोमेंटम पुट में नहीं बन पा रहे तो आप पैसे बना ही नहीं पाओगे, आपका कैपिटल ज्यादा से ज्यादा वेस्ट होने लगेगा। बस अपने कैपिटल को थोड़ा सा बचा के रखो, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जब आएगा तब आपके पॉकेट में हमेशा पैसे बचने चाहिए। यहाँ पर तो कोई पैसा बचाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। लेट इट बी कि किस तरीके से डायरेक्शन दिखा सकता है, क्या चीजें कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कल का मार्केट कैसे प्लान बना सकते हैं। एक बार हम निफ्टी को पहले देख लेते,
अभी अगर निफ्टी की बातें करते 22,460 के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन पे अगर निफ्टी इसी रेंज के अंदर अंदर फ्लैट कहीं पर भी ओपन हो जाता है, इसी रेंज में कहीं पर फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे से साइड में ऊपर साइड में क्रॉस कर जाता है, जैसे कि 22,480, 400, 460, अगर ये साइड में यहाँ पर अंदर ओपन होने के बाद अगर ये अपसाइड में क्रॉस कर जाते हैं, तब मैं निफ्टी को एक थोड़ा सा प्लान बना सकता हूँ। फिर निफ्टी आपको वापस से एक बार 22,520 को एक बार टच करता हुआ दिख जाएगा, वापस से आपको एक बार ये टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन मार्केट को फ्लैट ओपन होने के बाद पहली कैंडल मतलब फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इसी लेवल पे अंदर होल्ड करके फिर यहाँ से अगर क्रॉस कर जाता है अपसाइड में, तो हम टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं 22,500 का पहला टारगेट, उसके बाद 520 का दूसरा टारगेट, इन सारे चीज़ों के लिए प्लान क्रिएट कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाकर होल्ड कर जाता है तो हम प्लान करेंगे कि मार्केट को चलो बाय करने का कोशिश करेंगे। मैं अभी फिलहाल के लिए निफ्टी में डायरेक्टली सेलिंग के लिए बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी में सेलिंग करके कोई फायदा मुझे नहीं लग रहा है। मार्केट अगर रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ पर रेड कैंडल बना भी देता है, थोड़ा बहुत भी नीचे आता है, तो मार्केट को डायरेक्टली बिल्कुल भी सेल मत कर लेना। ये कभी भी एनी टाइम यहाँ से घूम के वापस ऊपर जा सकता है और आपके स्टॉप लॉसेस हंटिंग करने की कोशिश करेगा, तो गलती से भी जाकर ट्रैप होने की आपको जरूरत नहीं है। बस इतना ही आपको संभाल के रखना है कि मेरे कैपिटल को किस तरीके से मैं आपको बचा के रखूँ, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, वॉलेटाइल मार्केट चल रहा है, तो आपके स्टॉप लॉसेस इजी तरीके से हंटिंग होने वाले हैं, कोई बड़ी बात नहीं होने वाली, इस बात को पहले से टेक केयर कर लेना, क्योंकि मार्केट जब तक ट्रेंडिंग नहीं बनने वाला, ऑप्शन बायर्स पैसे नहीं बनाने वाले। अगर आप पैसे बना भी लोगे तो बहुत कम पैसे बनेंगे, जिसके कि हम हमारा कुछ ज्यादा होने नहीं वाला, छोटे छोटे लॉसेज लेते रहते रहना, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट जब आएगा तो पूरा पैसा मार्केट से हम बनाने की कोशिश करेंगे। अगर सोचो कल का निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन हो जाए किस तरीके से प्ले करेंगे, अगर कल का निफ्टी किसी भी हालत पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, नीचे की साइड में कई बार भी ओपन हो जाता है, कोई भी डायरेक्टली जाकर जंप करने की जरूरत नहीं है। मार्केट में क्या होने वाला, अगर मार्केट यहाँ पर क्रिएट करेगा तो पहले मार्केट थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, ना उसको अपर जाने में समझ में आएगा ना डाउन साइड जाने में समझ में आएगा, मार्केट थोड़ी वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तब जाकर अगर एक बार पहला मार्केट यहाँ पर ओपन होने पर पहले नीचे जाए या फिर पहला मार्केट ऊपर जाए, फिर मार्केट जब भी जाकर एक लो या डाउन जिस तरीके से क्रिएट करेगा उसको एक बार मार करके वेट कर जाना। मतलब सोचो कि पहली कैंडल अगर इस तरीके से नीचे चली गई, अगर मार्केट नीचे चली गई तो इसी कैंडल का लो के आसपास आसपास वेट कर जाना, अगर फिर उसी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे तो इसी कैंडल का भी वापस मार्केट को हाई क्रॉस कर जाना, और फिर मार्केट देखते कि इन बीच में कितना मार्केट रहता है, या ऊपर साइड में शिफ्ट हो जाता है, नीचे साइड में शिफ्ट हो जाता है। निफ्टी थोड़ा सा अभी भी पॉजिटिव है, अभी भी निफ्टी पॉजिटिव ही दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, मैंने कल भी आपको बता के रखा था, अगर जितने लोगों को याद होगा मैं बता रहा था, जितना ये सेलिंग कल के दिन पे दिखा रहा है इस पे बिलीव मत कर लेना, इसको निगेटिव समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना जाना। कल मार्केट कहीं ना कहीं पॉजिटिव ओपन होने की कोशिश कर सकता है, अगर कल का मार्केट पॉजिटिव ओपन हो जाएगा तो इसका कंप्लीटली सेंटिमेंट पॉजिटिव में होने वाला है। लेकिन आज मार्केट ने थोड़ा ब्रेकआउट नहीं कर पाया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से बहुत बड़ा मोमेंटम मार्केट अपसाइड में कर गया था। अब जितने लोगों को पता नहीं कि मार्केट में गैप अप या गैप डाउन को हम एक मोमेंटम की तरह ही ट्रैक करते हैं, यहाँ से मार्केट चला गया तो यहाँ तक पहुंचा है, तो मतलब मार्केट ने ऑलरेडी मोमेंटम कर दिया है। कल का निफ्टी थोड़ा सा अच्छा ट्रेड मिल सकता है, एक बाइंग साइड में एक थोड़ा सा हमें पुश मिल सकता है, बस मार्केट को एक बार फ्लैट ओपन होने दीजिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर निकल जा रहा है अच्छी बात है, हमें थोड़ा सा अच्छे ट्रेड दिख सकते हैं, पॉजिटिव मोमेंटम के साथ हम प्ले कर सकते हैं। होप आप इतना समझ चुके होंगे, देखते क्या कर सकता है, निफ्टी को एक बार चेकआउट करते। अगर हम निफ्टी को चेकआउट करते, बैंक निफ्टी को चेकआउट करते, इसने देखो पूरा का पूरा रिकवर कर लिया है, मैं यही आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, या आज की कैंडल भी इसी तरीके से बनाने की कोशिश पहले पहले कर रहा था, जब यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इसी कैंडल की बनती हुई दिख रही थी, लेकिन इसने वापस से जाकर कहीं ना कहीं वापस इसी कैंडल को कवर अप कर लिया है, तो अब आपकी कैंडल कहीं ना कहीं इस टाइप की थोड़ा सा ऊपर के साइड में वीक दिख रहा होगा, थोड़ी सी अच्छी कैंडल बनने की कोशिश हो रही होगी। अगर एक बार आपको डेली चार्ट ओपन करके दिखाओ तो आपको पता चल जाएगा। लेट्स सी, आपने होप देखा किस तरीके से कैंडल बिहेवियर आ रहा है। अगर मैं आपको कल की चीजों पर बता देता हूं, मैं बैंक निफ्टी में जब भी कोई बाय साइड का ट्रेड कर रहा हूँ, मेरी क्वांटिटी अभी फिलहाल के लिए 50-60% ही होने वाली है। मैं मेरी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा कम करके रखने वाला हूँ, मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करने वाला अगर मार्केट बाइंग साइड के जा रहा है। मेरे लिए तभी एक इंटरेस्टिंग मार्केट देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी में, कि जब बैंक निफ्टी बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जा रहा है, जैसे कि 47,450 के नीचे नीचे अगर बैंक निफ्टी एक बार ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है, तब जाकर मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट देखने के लिए बिहेवियर करूंगा। 450, 400 ये सारे लेवल के नीचे अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मार्केट क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन पहली बार में फिर भी मैं मार्केट को सेल नहीं करने वाला। 47,450 के नीचे अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन हो रहा है या फिर 400 के नीचे मार्केट कहीं पर भी ओपन हो रहा है, पहली बार में जब तक मार्केट एक रेड कैंडल क्रिएट नहीं कर देता, एक क्लियर कट एक रेड कैंडल क्रिएट होनी चाहिए, उसके नीचे मार्केट जब तक नहीं निकलता, तब तक हम कोई भी चीजों पर मार्केट को बाय नहीं कर सकते। कल के दिन पे आपको याद होगा मैंने एक चीज समझा के रखी थी, कि अगर मार्केट किसी भी हालत में ऊपर की साइड में ओपन हो जाता है, और मैं इंस्टा पे लाइव भी था आपके साथ, आपको सबको मैंने बता दिया था,
एक सेलर ट्रिप यहाँ पर क्रिएट हो रहा है मार्केट, अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है तो मार्केट वन वे अपसाइड मोमेंटम कर जाएगा और आप यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। आप सबने होप अच्छे से प्रॉफिट जनरेट किया होगा क्योंकि मार्केट ने उसी तरीके से बिहेवियर दिखाया और काफी अच्छे तरीके से मोमेंटम बना था। अभी जिस तरीके से बैंक निफ्टी का क्लोजिंग चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, अभी हमारे लिए जो रेंज क्रिएट हो चुका था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी उसी तरीके से मार्केट बीच में क्लोज ऊपर जाकर क्लोज करने की कोशिश करे। अगर कल का बैंक निफ्टी अगर जिस तरीके से क्लोजिंग दिखा रहा है, जिस तरीके से क्लोजिंग साइड में दिखा रहा है, अगर कल का मार्केट हमारे लिए इसी रेंज में अंदर कहीं पर भी ओपन हो जाता है, अगर इसके साइड में अपसाइड निकल जाता है, तो हम एक बार मार्केट को जरूर प्लान कर सकते हैं बाइंग करने का। लेकिन क्वांटिटी मेरी 60% ही रहने वाली है, 50-60% क्वांटिटी के साथ ही मैं मार्केट को बाय करने वाला हूं। मैं ज्यादा बड़ी क्वांटिटी को प्लान नहीं कर रहा हूं। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर नीचे से ओपन अगर ऊपर साइड में क्रॉस कर जाता है तो मार्केट को बाय करने की कोशिश कर जाना। पहला टारगेट आपका बस उसके बाद 46,660 का पहला टारगेट निकल के आएगा। इसके बाद अगर मार्केट जा रहा है तो 720 का दूसरा टारगेट निकल के आएगा। इतने ही टारगेट के लिए मैं ज्यादा बड़ा प्लान में नहीं करने वाला क्योंकि बाइंग साइड में मैं जब भी जा रहा हूँ 50-60% ही क्वांटिटी ले रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ऊपर और कितना जाएगा, मार्केट सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, इसके ऊपर थोड़े से डाउट्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इस वजह से मैं आपको रिड्यूस क्वांटिटी करने के लिए बता रहा हूँ। अब देखो कैंडल्स अभी भी कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हो रहा है, यहाँ से मार्केट निकल गया और बहुत अच्छे तरीके से क्लोजिंग करने की कोशिश करा है, ऊपर जाने की कोशिश करा है। यही मार्केट का बिहेवियर है कि हमेशा मार्केट ऐसे ही करता है। अगर आप देखते हो कल के दिन पे भी मार्केट को अगर देखते हो, मतलब फ्राइडे के दिन पे लास्ट मोमेंटम मार्केट में एक बार सडनली सेलिंग आया, अगर आप पिछले टाइम पे मार्केट को बार बार ओपन करके देखते हो तो हमेशा ऐसा ही कुछ चीजें चल रही है। मार्केट हमेशा लास्ट मोमेंटम में कुछ चीजें अलग अलग चेंजेस करता रहता है। यहाँ पर भी आप देखते हो बहुत बड़ा मोमेंटम कर जाता है, मतलब दिन भर जो मार्केट करता है लास्ट के 15 मिनट पे पूरा मार्केट उसी के अपोजिट करने लगता है, और इसी तरीके से हर समय ऐसा ही चलता जा रहा है मार्केट में। यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन डाउन साइड मोमेंटम किया, फिर से अपसाइड में चला गया, यहाँ पर भी फिर अपसाइड, यहाँ से डाउन साइड मार्केट, फिर अपसाइड मार्केट मोमेंटम। जितना ज्यादा टाइम नाटक करता रहा सेलिंग करने के लिए, एक ही बार में पूरा पूरा रिकवर कर जाता है। हर दिन पे ऐसा ही चल रहा है, लास्ट के 15-20 मिनट पे ये कहीं ना कहीं मोमेंटम कर जाता है, सॉरी लास्ट के 15 से लेकर 30 मिनट के अंदर अंदर ही मोमेंटम कर जाता है, मतलब लास्ट के आधे घंटे में जो भी करना है कर जाता है। पूरे दिन ज्यादा तो साइडवेज रहता है, कुछ पैसा नहीं बनाता, लास्ट के 15-20 मिनट 30 मिनट पे ही मोमेंटम ज्यादा कर जाता है। इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्रिएट होते जा रहा है हमें मार्केट में, ज्यादा ट्रेड नहीं मिल पा रहे, या फिर जितने भी ट्रेड मिल पा रहे थोड़ा सा कंफ्यूजन करके मिलते जा रहे हैं। जिस तरीके से क्लोजिंग यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर क्रॉस कर रहा है, आप मार्केट को बाय करो, लेकिन टारगेट थोड़ा सा ज्यादा नहीं रखना है, थोड़ा सा कम टारगेट के साथ रखना है। और एसएल भी आपको 50-60 रुपए से ज्यादा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, इतना ही ज्यादा से ज्यादा आपको एसएल देना, मैक्सिमम इतना एसएल आपका होना चाहिए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन अगर क्रॉस कर जा रहा है तो चलो अच्छी बात है कि हम एक बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टारगेट यहाँ से निकल के आएगा वो टारगेट लगभग फाइनल टारगेट के आसपास अगर मैं दिखाऊँ, अगर मार्केट सस्टेन करके निकल जाता है तो 800 के टारगेट के लिए मैं प्लान क्रिएट कर सकता हूँ। उस मार्केट को थोड़ा सा सस्टेन कर लेना चाहिए। अगर जिस जगह पर ये जिस तरीके से ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से सस्टेन करके निकल जाता तो 800 का मैं फाइनल टारगेट यहाँ पर ले सकता हूँ। अगर 800 के बाद पास मार्केट चला जाता है तो उसके बाद मेरा अलग सा टारगेट ओपन हो जाएगा। लेट इट बी श्योर कि मार्केट कहाँ ओपन होता है, ये मेरे लिए ज्यादा जरूरी होने वाला है क्योंकि ओपनिंग बहुत ज्यादा मैटर करने वाला है मार्केट का, क्योंकि मार्केट बिहेवियर नहीं कर पा रहा है, मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा नहीं ट्रेड कर पा रहा है। अगर आप अभी डेली कैंडल को ओपन करके देखते हो तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने के लिए मिल रही होगी, जो कि कैंडल हमें थोड़ी देर पहले इस टाइप की कैंडल देखने मिली होगी। लास्ट आधे घंटे में इसने पूरी तरीके से कवर अप कर लिया है 15 मिनट पे। इसी तरीके से हमेशा बिहेवियर होता जा रहा है। वी डोंट नो कि मार्केट करना क्या चाहता है, क्योंकि आगे इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन का रिजल्ट आने के लिए बाद मार्केट बहुत चीजें वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है, बहुत मोमेंटम कर सकता है। सारा का सारा अभी मार्केट इलेक्शन का बस वेट करते चल रहा है कि मार्केट को पता नहीं कि मार्केट कहां जाएगा, सारा अभी इलेक्शन का इंपैक्ट मार्केट में चलते जा रहा है। इसकी वजह से अपनी क्वांटिटी को थोड़ा सा संभल के रखना, अपने मैनेज करके चलना, ताकि आपके कोई जब ज्यादा लॉसेस होने नहीं चाहिए। होप आप इतना समझ चुके होंगे। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।